हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक बड़े अच्छे ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। बचपन में हमारे टीचर ने हमें कहा कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो क्या आएगा। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, तो हमें पता है 1/2। 1/2 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो 1/2 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, देखिए ये कट गया और 1 आ गया। आज यही बात हम मैट्रिक्स में कर रहे हैं कि अगर मैं आपको कोई मैट्रिक्स दूं 2, 3, 5, 7 मान लीजिए, तो इस मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, इस मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास, यहां तो 1 चाहिए था, बचपन में ये पढ़ा था, आज गिवन मैट्रिक्स को मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 1, 0, 0, 1। ठीक है, तो अगर गिवन मैट्रिक्स को मैं जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आएगी वो होगी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स का नाम है ए और इसका मैं नाम रख दूं बी, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी क्या होगी, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन बी में एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्या, कि अगर ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ओके, तो समझ आ गया। आ गया, आ गया। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेंगे। तो मैंने लिया है ये 2, 3, 5, 7 2×2 का मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ये कैसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो क्या ये सही है, इसके लिए पहले मैं अभी आपको प्रूफ करवा रहा हूँ इसी का, कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें इस गिवन ए मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, हम करेंगे कैसे मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं अगर उनके, ये देखिए, ये होता है रो और ये होता है कॉलम, ये होते हैं रो और ये कॉलम। अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, सेम हो, तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो, और दूसरा फर्स्ट का जो रो होगा और सेकंड के कॉलम क्या है, 2×2 आंसर यहाँ आएगा, 2×2 ये आंसर आएगा कि 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे, 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। ठीक है, जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स का उसे पता है। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 1 × 2 प्लस सेकंड बाय सेकंड, 0 × 5। ओके, सो अगेन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 1 × 3 एंड प्लस 0 × 7 हो गया। हमारा ऑर्डर क्या है, यहाँ 2×2 बोला था। तो अब सेकंड लाइन कैसे फिल करेंगे हम हमारी मैट्रिक्स की, फर्स्ट एलिमेंट 0×2 0×2 प्लस 1 × 5 एंड लास्ट वन इज 0 × 3 1 × 1 हो गया, 1 × 1 प्लस 2 × 2। ओके, सो क्या आ गया ये, 2×1 = 2 + 0 3×3 + 0 0 + 5 0 + 7। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, 2, 3, 5, 7। तो हमारे पास देखिए जो आंसर आया है 2, 3, 5, 7 वही आंसर आया है जो एक्चुअल में आना चाहिए, वो देखिए 2, 3, 5, 7 यही थी ना ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है,
ए ही आ रहा है। ओके अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर किसी मैट्रिक्स को मैं दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आई आ जाए, याद है स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ये जो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी को ए से कर रहा हूं, ठीक है, और आई आ रहा है, तो इसको मैं बी को मैं ए का इनवर्स बोल सकता हूं, ठीक है, तो यानी कि बी को मैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकता हूं। अब ये जो प्लान मैंने यहां लिखा है, ये प्लान हमने यहां पे करना है, ए इक्वल टू आई ये लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको प्रूफ कर दिया। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आई आ रहा है, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके अभी यहां पे हम प्लान करेंगे कि हम किसी तरह इस ए को मैं आई बना दूंगा, किसी तरह भी ए को मैं आई बना दूंगा, आई बी बन जाएगा और ए एज इट इज वहीं पड़ा रहेगा, यानी कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ए का, तो मुझे बी निकालना है। ओके तो ए को मैं आई बना दूंगा और आई जो है वो बी बना दूंगा और ए को इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज पड़े रहने देना है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो एंड में आएगा, इस आई को मैं बी बना दूंगा, बी होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी, तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू यहां जो हमने ली है उसको पुट कर रहा हूं, 2 3 5 7 I 1 0 0 1 और ए को एज इट इज ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, छेड़ेंगे नहीं। तो स्टूडेंट अब मेरा सारा ध्यान इस ए को आई बनाने में रहना चाहिए, ठीक है, आपका भी, और यहाँ पे इस आई, ये आई जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक भी बन जाएगा, तो उसके लिए मैं कुछ यूज करूंगा ऑपरेशंस, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके सो ऑपरेशन मीन्स कौन कौन से लगेंगे, हमारे पास तीन हैं वो लगाएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ए को मैं आई कैसे बनाऊंगा, मैं सबसे पहले इस टू को वन बनाऊंगा, आई होता क्या है मुझे पता, आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है 1 0 0 1, तो सबसे पहले जो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मुझे किसी तरह दो को एक बनाना है, इस टू को मैंने वन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मेरे पास तीन ऑपरेशन मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एक तो है हमें अलाउड है कि हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी दूसरी रो से, मैं लिख रहा हूं आर आई आर जे, मतलब मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहां लिख सकता हूं कि आप 5 7 नीचे वाला ऊपर, हाँ 0 1 और ऊपर वाला नीचे, ये रूल ऑपरेशन ये अलाउड है, आपको आप चाहते हैं तो आप कर लो, ठीक है, तो यहाँ कुछ फायदा तो अभी हुआ नहीं, चलो वैसे मैंने आपको समझाया कि हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रब कर दें, ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं कि हम किसी भी रो को जनरल में लिख रहा हूं, आई मीन्स कोई एक रो, जे मीन्स कोई दूसरी रो, हम सिर्फ रोज को ही ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, कॉलम को नहीं, ओके सिर्फ रोज को ही लगाएंगे या फिर सिर्फ कॉलम को ही लगाते हैं, तो हम चूज कर रहे हैं कि हम सिर्फ रोज को ही लगाएंगे। ओके दूसरा और क्या लगा सकते हैं कि किसी भी रो को हम किसी नॉन जीरो स्केलर से, लेट के, नॉन जीरो मींस जीरो नहीं लेना और कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, से मल्टीप्लाई हम करेंगे उसी रो को, कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब के है ना ये, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूं 3 से, मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूं 3 से, लो तो ऐसे हमने लिखना है, और कैसे वो चेंज आएगा वो भी साथ ही दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट रो देखिए क्या आएगा, करिए जरा 2 3, देखिए सेकंड रो को मैं एज इट इज लिख देता हूं, उसको नहीं छेड़ना है, हाँ? अब फर्स्ट रो कैसे फील होगी, फर्स्ट रो को मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे चेंज कर रहा हूं कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, जो करना है दोनों साइड करना है, जो करना है दोनों साइड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 टू जा 3 आर 1, 3 टू जा
थ्री टू जा सिक्स, थ्री आर वन, यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पे थ्री वन है ना, देखिए कैसे आया है सिक्स, थ्री टू जा, ठीक है, क्लियर है, थ्री टू जा थ्री, थ्री जा ये वाला टू ये है, ये वाला थ्री यहाँ पे आया, ये वाला थ्री थ्री जा, और थ्री यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या है वन, सो थ्री वन जा, और आगे क्या है थ्री, ये वाला वन जीरो जा, कितना आएगा फिल करके, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, और थ्री जीरो जा जीरो, तो ये हम फिल कर सकते हैं, ये चेंज आ गए, चेंज हो गए एलिमेंट ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद। तो अब ये सिर्फ मैं आपको ऑपरेशन समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ अब सिक्स आया, फाइव आया, सिक्स नाइन थ्री जीरो फाइव सेवन जीरो, तो हमने वैसे छोड़ दिया, तो ठीक है, अभी ऐसे भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। और क्या केस है हमारे पास, और यह कि हम किसी भी रो को, जैसे कि फर्स्ट को ही, फर्स्ट रो को मैं चाहूं तो, देखिए आर आई, आर आई प्लस के आर जे, क्या मतलब है इसका कि किसी फर्स्ट रो को मैं चाहूं तो ऐड कर सकता हूं किसी सेकंड रो से, लेकिन सेकंड रो को अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई किसी स्केलर से कर सकते हैं। सेकंड रो को मान लो इसे मैं ये लिखता हूं आर वन, क्या है आर वन प्लस टू आर टू, इसका क्या मतलब है कि मैं आर वन को चेंज कर रहा हूं, और कैसे कर रहा हूं कि मैं आर वन को ऐड करना चाहता हूं आर टू के साथ, और सेकंड रो को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं टू के साथ। ओके, कैसे है ये थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कैसे चेंज आएगा। देखिए R1 अभी भी, अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि ऑपरेशन हम कैसे लगा सकते हैं। फाइव सेवन, ठीक है, सेकंड रो को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही हमने लिख देना है फाइव सेवन जीरो वन, और फर्स्ट रो कैसे चेंज आएगी ये देखिए, मैं यहाँ फिलअप भर रहा हूँ कि मैं कैसे कैसे भर सकता हूँ, ठीक है, तो R1 प्लस टू आर टू, तो ये एलिमेंट का क्या हशर होगा अभी, R1 का क्या है ये R1 टू प्लस, ये टू फिक्स है, टू इंटू आर टू, आर टू क्या है फाइव, ओके, तो ये एलिमेंट क्या है R1 क्या है हमारे पास थ्री प्लस टू इंटू आर टू क्या है यहाँ पे सेवन, ठीक है, और यहाँ क्या है R1 क्या है यहाँ पे इस प्लेस पे वन, वन प्लस टू इंटू आर टू क्या है जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा जीरो प्लस टू इंटू आर टू क्या है वन, जीरो प्लस टू इंटू वन, तो इस तरह से इनको सोल्व करके हम यहाँ फिल कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ऑपरेशन यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये ऑपरेशन सिखाए हैं कि कैसे लिखने हैं, अभी तो मैं डिटेल में आपको दोबारा से भी करूंगा जब ये सॉल्व होएगा क्वेश्चन, तो कौन सा ऑपरेशन हमें अच्छा लग रहा है इन तीनों में से यहाँ पे, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे मुझे वन बनाना है, तो सबसे पहले मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ अगर टू की जगह सिक्स होता तो सिक्स में से मैं फाइव माइनस कर देता तो यहाँ वन आ जाता, धीरे धीरे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं ये वाला ऑपरेशन चूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूं कि मैं R1 को मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूं, फायदा क्या होगा देखते हैं, ठीक है, तो अब मैं ये रब कर रहा हूं, आपको क्लियर हो गया होगा सारा, तीन ऑपरेशंस मैंने सिखाए कैसे कैसे करेंगे। सो R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए क्या होता है, R2 को एज इट इज फटाफट लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया, तो R1 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरी R1 को 3 टू जा 6, थ्री टू जा, ठीक है, यहाँ और क्लियर लिखना है तो थ्री टू जा, ओके, थ्री आर वन, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है थ्री थ्री जा, ठीक है, यहाँ पे थ्री वन जा, और यहाँ पे थ्री जीरो जा, ठीक है, थ्री टू जा ये वाला टू, थ्री थ्री जा ये वाला थ्री, थ्री वन जा ये वाला वन, और थ्री जीरो जा यहाँ पे, क्या हशर हुआ, क्या बन गया, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री जीरो जा जीरो, ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप आ गया यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाने के बाद।
तो अभी क्या करेंगे, ये 6 है ये 5 है, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि अच्छा रहेगा, तो मुझे आर वन पे ही लगा रहा हूं मैं दोबारा से, कि मैं आर वन माइनस आर टू करता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाला ऑपरेशन है जो मैंने सिखाया, आर आई को लिख सकते हैं आर आई प्लस के आर जे, याद रखें इस बात को, प्लस का मतलब, के का मतलब एलिमेंट कोई भी रियल नंबर, नॉन जीरो, जीरो नहीं, और ये प्लस की जगह आप माइनस भी लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है r1 को r1 माइनस r2, तो गौर से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, k की वैल्यू 1 हो गई या माइनस 1 हो गई आप बोल सकते हो, ये लो ठीक है, k की वैल्यू माइनस 1 हो गई और ऑपरेशन यही वाला लग गया, r1 प्लस माइनस 1 k की वैल्यू और r rg की वैल्यू r2, ठीक है ना, तो क्लियर है। तो ये ऑपरेशन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, तो r1 माइनस r2, r1 का चेंज फिर से कर रहे हैं हम और किसी का नहीं, आर टू एज इट इज ही रहेगा, 5701 करिए, आर वन माइनस आर टू कितना आ गया 1, ओके 1, आर वन माइनस आर टू क्या आया 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 0 3, 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 5 वन, अभी यहां पे वन आया है, इस वन का यूज करके जो आया है, अब नीचे क्या बनाना है, टू के नीचे टू को तो वन बना दिया, अब नीचे वाला क्या चाहिए, फाइव चाहिए, जीरो, फाइव को जीरो कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, फाइव को जीरो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो फाइव को जीरो बनाने के लिए देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझना है, R2 को, इस 5 को मुझे 0 बनाना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R2 को, R2 माइनस 5 R1, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया, बड़े ध्यान से समझेंगे, R1 को नहीं छेड़ना है ना, तो R1 को ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, R1 को मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, 1, 2, 3, माइनस 1, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। और क्या है हमारे पास अब R2 को, R2 को क्या क्या लग रहा है, देखिए पहले मैं इसको फिल करता हूँ, इस पॉइंट को, इसको भी फिल करेंगे बाद में, कैसे आएगा देखिए, R2, R2 की जगह क्या है यहाँ 5, 5 को 0 बनाना है, पुट करो यहाँ वैल्यू R2 की 5 माइनस, ये फिक्स है ओके, 5 माइनस ये वाला 5, ये वाला 5 लिखा है यहाँ पे, ये 5 माइनस ये वाला 5 यहाँ पे, ये आया और R1 ऊपर क्या है उसके ऊपर 1, ठीक है, उसके ऊपर क्या है 1, ठीक है, 5 माइनस 5 इंटू 1, मैंने ऐसा क्यों लगाया 5 यहां क्यों लगाया, मुझे पता था 5 बंदा 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ओके क्लियर हो गया है, 5 माइनस 5 इंटू 1, 5 माइनस 5 इंटू 1, तो ये 5 माइनस 5 कितना आ गया, ये तो हो गया 0, इसको 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगा है, अगर यहां ऑपरेशन लगाया है तो हर जगह मुझे यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी चारों जगह यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकंड के लिए R2 की वैल्यू क्या है, ये पड़ी 7, 7 सेम पुट करना यहां पे 7, देखिए ठीक है, 7 माइनस 5 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 7 के ऊपर 2, ओके R1 की वैल्यू क्या है 7 के ऊपर 2, ओके तो 7 माइनस 5 टू जा 10, 7 माइनस 10 कितना होता है माइनस 3, तो यहां कितना आ जाएगा माइनस 3 यहां पर आ जाएगा, आ गया, तो यहां हो गया फिर ये दोनों जगह। अब यहां पे भी यही ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 5 इंटू R1, तो क्या फिल करेंगे इस प्लेस की अभी बात करते हैं, इस प्लेस पे यहां पे क्या है ये R1 की, R2 की वैल्यू R2, R2 माइनस 5 इंटू R1, यहाँ R2 की वैल्यू क्या है इस प्लेस पे 0 माइनस 5 इंटू R1, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है उसके ऊपर 3, सो क्या मल्टीप्लाई होगा 3, कितना आएगा माइनस 5 इंटू 3, ये तो 0 है छोड़ दो, 5 3 जा 15, माइनस 15, ओके, और लास्ट रह गया यहाँ क्या फिल करूं, R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1, 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस 5 इंटू R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर
माइनस वन, तो क्या सोल्व करो क्या आएगा, वन माइनस माइनस प्लस फाइव, वन सा फाइव कितना आ गया सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, तो यहाँ सिक्स आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ये ऑपरेशन सबको पूरी आर टू को लगा, ये ऑपरेशन ओके लग गया। अब क्या करना है, पहले वन बनाना होता है उसके नीचे या ऊपर जीरो, पहले वन बनाना है फिर उसके नीचे या ऊपर जीरो, ठीक है। तो यहां तो वन वन पहले बना दिया था और फिर जीरो हो चुका है, अब पहले वन बनाना है, यानी कि अब यहाँ सेकंड कॉलम में पहले वन बनाना है, माइनस थ्री को पहले मुझे अब वन बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा माइनस थ्री को वन, तो मुझे अलाउड है क्या किसी भी स्केलर को किसी रो से मल्टीप्लाई करना, तो कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूँ आर टू को, इसको यहाँ वन बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, मैं करूंगा डिवाइड बाय माइनस थ्री आर टू को ही। क्या फायदा होगा देखिए, करके देखते हैं, यहाँ वन आ जाएगा अभी देखेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, थ्री माइनस वन, वेट वेट वेट, हाँ ठीक है, आर टू को चेंज करना है, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख दूं, लिख दो, और आर टू को क्या आएगा, जीरो ओवर माइनस थ्री, माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री। देखिए मेन मकसद तो इसको वन बनाना था, इसको वन बनाने के चक्कर में मैंने माइनस थ्री को डिवाइड किया सबके साथ, यहाँ आपको माइनस वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, एक ही बात है, माइनस थ्री को डिवाइड कर रहा हूँ मैं सबके साथ, सिर्फ इसको वन बनाने के चक्कर में, तो सबके साथ ही कर रहा हूँ। सो माइनस फिफ्टीन ओवर माइनस थ्री, सिक्स ओवर माइनस थ्री, तो ये तो हो गया जीरो, जीरो समथिंग जीरो, माइनस ये आ गया वन, इसी को तो वन बनाना था इसीलिए तो माइनस थ्री को डिवाइड किया था सबके साथ, ओके। ये क्या आ गया, माइनस माइनस कट गया, थ्री फाइव सा फिफ्टीन, यहाँ पे तो फाइव आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, माइनस ये रह जाएगा, थ्री टू सिक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का टू, ओके है। तो ये आ गया वन यहाँ पे, ये मेरा मकसद था यहाँ पे वन बनाना। अब इस वन का यूज करके मैं ऊपर जीरो बनाऊंगा, इस टू को मेरा लास्ट स्टेप रह गया, क्योंकि मुझे इस ए को आइडेंटिटी बनाना था, याद है ना, ये होती है आइडेंटिटी, बोला था हमने। तो वन बन चुका है, जीरो बन चुका है, और ये वन भी यहाँ वन बन चुका है। अब ये जो रह गया इसको मुझे जीरो बनाना है, ये वाला जीरो आइडेंटिटी बनानी है ना, ये फुल इस ए को मुझे आइडेंटिटी बनाना है, तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे अब इस टू को जीरो बनाना है, कैसे बनाऊं इस टू को जीरो, फिर इस वन का यूज करूंगा। तो देखो मैं कौन सा लगा रहा हूँ ऑपरेशन, मुझे नजर आ रहा है ये टू है, टू से मल्टीप्लाई इसको करूंगा और माइनस कर दूंगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए आर टू, नो नो नो, फर्स्ट है, फर्स्ट को चेंज करना है, दिस इज आर वन नॉट आर टू, आर वन दैट इज आर वन माइनस टू इंटू आर टू, नजर आ रहा है टू यहाँ होगा, टू माइनस टू इंटू वन टू, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। मैं करके थोरली दिखाता हूँ, देखिए ये आर वन चेंज हो रहा है, आर टू को एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है, पहले लिख देंगे आर टू क्या है, जीरो वन फाइव माइनस टू, ठीक है। सो क्या आ गया, आर वन माइनस टू इंटू आर टू, यहाँ मैं भरूंगा इसको, यहाँ यहाँ यही लगाऊंगा हर जगह। सो करिए वन, आर वन क्या है वन माइनस टू, तो फिक्स है लगाना ही लगाना है, ये फिक्स है हर जगह लगाना है। आर टू, आर टू की वैल्यू क्या है इसके नीचे, जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वन ही आएगा नजर आ रहा है, वन माइनस जीरो वन ही आएगा, छोड़ दूं तो यहाँ वन आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, फिर वही करें टू, आर वन की वैल्यू यहाँ पे क्या है टू माइनस, ये फिलअप है, फिलअप भरना है इस प्लेस पे हमें, ठीक है। फिलअप मीन्स कैसे भरेंगे उस प्लेस को, ठीक है। इसको टू की जगह क्या लगाना है, टू माइनस टू, टू आर वन में है ना, इसका एलिमेंट क्या है टू आर वन, टू माइनस टू इंटू आर टू क्या है, आर टू की वैल्यू क्या है इसके नीचे वन, ओके। तो टू माइनस टू आ गया ना जीरो, टू माइनस टू इंटू वन, टू वन टू, टू माइनस टू जीरो, ओके। तो ये हो गया जीरो। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, चलिए थ्री आर वन माइनस टू इंटू आर टू क्या है फाइव, फाइव टू जा टेन, थ्री माइनस टेन, थ्री माइनस टेन क्या हो गया, थ्री माइनस टेन कितना होता है माइनस सेवन, ओके। तो यहाँ आएगा माइनस सेवन, और लास्ट रह गया क्या आएगा, आर वन, आर वन, आर वन माइनस टू इंटू आर टू, आर वन क्या है ये आर वन यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू इंटू आर टू क्या है माइनस टू, सोल्व करिए क्या आएगा, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस,
माइनस वन प्लस फोर ये आ गया थ्री सोल्व होने के बाद। तो यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, क्या आएगा थ्री, सोल्व करने के बाद आएगा थ्री। मैं फिर से कर देता हूँ दोबारा से अगर आपको डाउट है इसमें। देखिए क्या था ये आर वन, आर वन की वैल्यू यहाँ मैं लिखता हूँ आर वन माइनस टू इंटू आर टू, यही है ना हमारा ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको कैसे आया ये थ्री, आर वन, आर वन की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस टू तो लगना ही लगना है, आर टू की वैल्यू इसके नीचे क्या है माइनस टू, सो माइनस वन प्लस फोर कितना आ गया थ्री, तो ये थ्री मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन चुकी है, कैसे वन जीरो जीरो वन, ठीक है ये आइडेंटिटी बन चुकी है। और ये जो आया तो क्या बोला था मैंने, ए के साथ जो भी कोई मैट्रिक्स आएगी क्या हो रहा है आपस में, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद अगर यहाँ पे आई आ जाए तो ये जो बी होगा वो क्या होगा, वो होगा ए का इनवर्स। तो यही बी है, जो बी की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू, यही है ए का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स। ओके तो अब बात ये आती है कि ये जो बी निकला ए इनवर्स हम इसे बोल रहे हैं, तो क्या ये आंसर सही है, माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू क्या ये सही आया है इनवर्स। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए इनवर्स को ए से जो कि गिवन था ये इनवर्स निकाला, मल्टीप्लाई करने पे करें मल्टीप्लाई, क्या आया इनवर्स क्या है माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू, ए की वैल्यू क्या थी टू थ्री फाइव सेवन, टू थ्री फाइव सेवन, देखिए क्या आ रहा है सेवन टू सा, देखिए याद है ना हॉरिजॉन्टल को मल्टीप्लाई करते थे वर्टिकल से, ओके मल्टीप्लाई करना आता है ना मैट्रिक्स को, कितना आएगा माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन प्लस फिफ्टीन, ओके सेकंड सेवन थ्री सा सेवन टू सा माइनस फोर्टीन, माइनस है ना साथ में सेवन सॉरी सेवन टू जा माइनस फोर्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ओके फर्स्ट फिल हो गया। सेकंड कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट इनटू फर्स्ट सेकंड इनटू सेकंड, यहाँ भी सेवन थ्री जा माइनस ट्वेंटी वन थ्री सेवन जा प्लस ट्वेंटी वन, ओके चलो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट करेंगे, फाइव टू जा टेन माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस टू इंटू सेवन माइनस टू इंटू सेवन माइनस फोर्टीन, क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है वन, देखिए फिफ्टीन माइनस फोर्टीन वन, ये कितना आ गया जीरो, ये कितना है जीरो, ये कितना है वन। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखें जो ए इनवर्स निकला वो ए से मल्टीप्लाई होगा, और क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपका आंसर ये जो बी निकला था वो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है, ये हमने चेक किया कि हमारा ठीक आया आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, बाय बाय, टेक केयर।